हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका स्वागत करता हूं क्रिएटिव वीडियो जोन इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं एक लेंस के बारे में बताऊंगा। कैनन का एक लेंस है मैक्रो लेंस, जिसमें नया आया है, जिसमें नए फीचर्स हैं, और इसी के साथ में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों, ये है लेंस कैनन का। ये है EFS लेंस है 35mm, अपर्चर इसका है 2.8 है, माइक्रो IS STM लेंस है दोस्तों। STM होता है साइलेंट मोटर, जिसमें आपका लेंस जो होता है वो आवाज़ नहीं करता है और फोकसिंग फास्ट रहती है। ये देखिए दोस्तों, लाइट ज़्यादा है, मैं कम कर देता हूँ थोड़ी बहुत। ये देखिए, इसका अपर्चर है 2.8, आप इसे लो लाइट में भी शूट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें नीचे लिखा हुआ है विद लेंस होल्ड। इसके साथ में एक लेंस होल्ड है, जिसका मॉडल नंबर है E5-27। ये इसके साथ में फ्री आता है दोस्तों। और इमेज स्टेबलाइजर है इसमें, आपका इमेज को स्टेबल करता है। देखिए दोस्तों, और अभी ये नया आया है, और इसकी जो प्राइस भी है वो भी काफ़ी कम है। इसकी प्राइस मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये नवंबर 2017 के बाद में इसकी जो प्राइस है वो 25,295 है, जो कंपनी के कम की गई है कंपनी के द्वारा। एंड ये देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, नए तरीके का हुड है। अब अगर मैक्रो की बात करते हैं, तो मैक्रो में आप किसी भी चीज़ को पास जाके फ़ोटो कैप्चर करते हैं, पास जाके करते हैं, तो ये दोस्तों ये हुड आता है। ये देखिए, और ये अभी नया मेटेलिक हुड है। इसका जो फिल्टर साइज़ है वो 49 है, एंड मॉडल नंबर है E527। ये देखिए, और इस पर लिखा हुआ है मेड इन मलेशिया। ये देखिए, इसका लगाने का तरीका है वो मैं बताऊं दूंगा आपको। ये इसका वारंटी कार्ड है दोस्तों, इसका 2 ईयर वारंटी मिलेगा। एंड ये कैटलॉग है, इसमें आपको बता रखा है कि कैसे क्या लगता है, पूरा इंग्लिश में दे रखा है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये है लेंस, काफ़ी अच्छा है मैक्रो फोटोग्राफी के लिए, एंड काफ़ी कम प्राइस में है। और लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, इस पर लिखा हुआ EFS, ये फुल फ्रेम के लिए नहीं है, ये क्रॉप बॉडी के लिए है। जो अपने 700D आता है, 750D आता है, एंड 800D है, 77 है, जो नए कैमरे हैं उनके लिए, ये फुल फ्रेम के लिए नहीं है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी प्यारी लुकिंग है और काफ़ी अच्छा लेंस है, और साथ में STM भी है ये। ये देखिए, इसका फिल्टर साइज जो है वो 49 है। इमेज स्टेबलाइजर के साथ में दे रखे हैं, और ऑटो फोकसिंग और मैनुअल फोकसिंग है। इसकी रिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ है, आप जिसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, कैनन मैक्रो EFS 35mm विद इमेज स्टेबलाइजर है। ये देखिए, ये इसका पीछे का है, अब ये माउंट है इसका लगाने के लिए, और ये कैप है इसका, ये कैप प्रेस करके देख सकते हैं दोस्तों। आपने कई लेंसेज में देखा होगा कि नॉर्मल आता है, जैसे अपना ये 18-55 लेंस है, इसमें ये सिंपली दे रखा है। लेकिन ये जो अपना नया वाला लेंस है, इसके अंदर ये वाइट जो है, ये नई चीज़ है, ये जो मैक्रो के लिए होती है दोस्तों। अपन देखते हैं, जैसे डेंटिस्ट फोटोग्राफर जो होते हैं या ज्वेलरी फोटोग्राफर होते हैं, वो एक फ्लैश का यूज करते हैं, जिसे रिंग फ्लैश कहा जाता है। रिंग फ्लैश होता है, लेंस के आगे लगती है दोस्तों, ये उसी का काम करता है। इसमें आप ये देख रहे हैं वाइट, इसमें दोस्तों LED लगी हुई है। आप इसमें एक बटन भी दे रखा है, ये देखिए दोस्तों, ये बटन, इस बटन को जब दबाते हैं तो ये LED चालू हो जाती है। ये एक बार प्रेस करते हैं तो हाई
जो इसका मैक्सिमम लाइट है वो करता है, एंड दोबारा प्रेस करते हैं तो लाइट कम हो जाती है। दोस्तों ये लेंस में पहला आया है, ये सिर्फ कैनन में ही आता है। ये देखिए अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। देखिए ये मेरे पास 1300D है, मैं 1300D पे लगा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए लेंस लगाने का वही सेम तरीका है, वाइड से वाइड मैच करके। ये देखिए मैंने कैमरा ऑन किया, ऑन करने के बाद में ये देखिए दोस्तों, अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये लाइट अपनी ऑन हो जाती है। अभी ये दिखेगी नहीं, मैं इसकी लाइट कम कर देता हूँ। लाइट कम करने के बाद में इस बटन को प्रेस करूंगा। ये देखिए दोस्तों, एक बार प्रेस किया इसकी मैक्सिमम लाइट रहती है, वापस प्रेस करता हूँ थोड़ी कम हो जाती है, वापस प्रेस करता हूँ बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये इस फ्लैश का काफ़ी यूज है मैक्रो फोटोग्राफी में। अपन किसी भी चीज़ को पास जाकर किसी का भी क्लोजअपली फोटो ले सकते हैं, मैक्रो फोटो ले सकते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो लेकर दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्लैश इसका मैंने चालू कर दिया है। ये मैंने ये दोस्तों 1300D है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है फोकसिंग में। लाइव मोड पे सभी कैमरा स्लो वर्क करते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने ये मैक्रो फोटो लिया है, इसको अगर जूम करके देखते हैं तो ये देखिए आप क्लोजअपली इस चीज को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लेंस है और आपको इजीली ये अवेलेबल हो जाता है किसी भी ऑथोराइज डीलर कैनन के कहीं पे भी, और ये काफ़ी अच्छा लेंस है। तो दोस्तों मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा अगर जो क्रॉप बॉडी यूज करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा लेंसेज है। दोस्तों अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आया है और अगर मेरा अच्छा रिस्पॉन्स रहा अगर आप लोगों का, तो मैं और भी ऐसे नए प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ में बाय, टेक केयर।